और ये क्या? ओए हेलो, इसको क्या हो गया? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं मिस्टर मीट। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया था, एक लड़की जिसको मिस्टर मीट ने किडनैप करके रखा था, उसका नाम था रेबिका, शायद से रेबिका नाम था, उसको हमने वहां से रेस्क्यू कराया था और उसे बाहर निकाल लिया था। और दूसरी बार हमें पता चला वहां पे मिस्टर मीट ने एक छोटी सी बच्ची को एक्सपेरिमेंट करके पिग में कन्वर्ट कर दिया और उसे भी वहां पे छुपा के रखा है। तो उस लड़की को भी हमने वहां से रेस्क्यू किया, उसे ठीक भी किया और उसे भी हम लोग उस घर से बाहर निकाल लाए। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है? मिस्टर मीट, हाँ भाई, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, मिस्टर मीट अभी भी वहीं पे है। उसको हमने कुछ भी नहीं किया, वो वहीं पे रहता है और वो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा कर सकता है, और भी लोगों को किडनैप कर सकता है, और भी लोगों को कट करके उनके मीट वगैरह सेल कर सकता है। तो अभी आज की वीडियो में हम यही करने वाले हैं, हमें मिस्टर मीट को ठिकाने लगाना पड़ेगा। हमने उन दोनों लड़कियों को तो बचा लिया, लेकिन आगे किसी और के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए इस वीडियो में हम लोग मिस्टर मीट को पुलिस के हवाले करने वाले हैं। अब देखो, पुलिस से उसको पकड़वाना इतना आसान भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मिस्टर मीट बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो आज हम लोग क्या उसको पकड़वा पाएंगे? खैर, फिलहाल अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशंस वगैरह मिल जाए। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा इस गेम प्ले को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो हम लोग तीसरी बार मिस्टर मीट के घर में आ चुके हैं और इस बार हमारा मकसद कुछ और है। हमें उन दोनों को रेस्क्यू नहीं करना, इस बार मिस्टर मीट को पकड़वाना है। तो सबसे पहले इसको तोड़ा और उसके बाद दरवाजा खोलते हैं और ये आने ही वाला होगा। एक सेकंड, ये आ रहा है तो मैं सीधा यहाँ से पहले निकलता हूँ। आ जा। ओके, उसने मुझे देखा, वो वहाँ गया। सबसे पहले ग्रीन की लेंगे और डोर खोल लेंगे। सिंपल है भाई, ग्रीन की लेना है सबसे पहले हमको। तो यहाँ पे आते हैं और लो, इस बार ग्रीन की हमें यहाँ पे नहीं मिली, तो इस बार ग्रीन की को ढूंढने अलग जगह जाना पड़ेगा। तो पहले इसको आने दो, रुको, ये आ रहा है। इसने मुझे देख लिया और ग्रीन की दूसरी जगह है ये, यहाँ पे मिलती है हमारी ग्रीन की। ओके भाई, ये क्लोज आ गया है, जल्दी भागो भाई। भाई भाई, क्लोज आ गया था बहुत ज़्यादा। इसको भी खोल देते हैं, रुको, मैं इसको पहले बाद में खोलूंगा, ये पीछे ही पड़ा है मेरे। इसको पहले थोड़ा सा घुमा के इसको ना कंफ्यूज कर देते हैं। और सबसे पहले अगर देखो गाइज, अगर आपको ये गेम प्ले समझ में नहीं आ रहा है तो इसके बाकी के दो पार्ट आप लोग देख लो। फिलहाल मैंने उस दरवाजे को खोल दिया है और मिस्टर मीट यहीं पे है, मुझे जैसा ही पता था, क्योंकि मैं इसको खोलना हर वक्त भूल जाता हूँ। ओके गाइज, तो मैं इसको घुमा के आ चुका हूँ, यहाँ पे मैंने इस डोर को भी खोल दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर चलते हैं और ऊपर बाकी की चीज़ें ढूंढते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमको प्लायर्स चाहिए होंगे। यहाँ पे एक डॉल का पीस है और शायद मेरे को इसको भी यूज़ करना पड़ेगा एक बार। फिलहाल पहले देखने दो, ये नहीं आ रहा ना, ये आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले प्लायर्स चाहिए होंगे, प्लायर्स मिल जाए ना भाई तो काम हो जाएगा। ये क्या है यहाँ पे? ओके, ये हमेशा की तरह यही है बस। यहाँ पे नीचे एक बार देख लूँ इसके अंदर। ओ शिट, ये आ रहा है, रुको, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार देखने दो। एक काम करता हूँ, मैं इस कैन को लेता हूँ और फेंका। आ जा भाई, तू ऊपर आ, ऊपर आएगा मैं नीचे भागूंगा। ओ अबे, ओ भाई साहब, ये इतना तेज कैसे हो रहा है? इतना तेज नहीं होना चाहिए इसको। और यहाँ पे ये डॉल का पीस है और ये अभी अभी भी आ रहा है। भाई सबर रख, थोड़ी सी, थोड़ा सा रुक जा। हेलो, यहाँ पे हमें हैमर है, तो एक काम करता हूँ गाइस, पहले हैमर मिला ना मुझे, तो मैं हैमर को ले जाता हूँ और उस कैमरा को तोड़ देता हूँ। झंझट पहले ही ख़त्म करता हूँ, क्योंकि हमको देखो पुलिस वगैरह को भी लेना है, तो पहले झंझट ख़त्म करो। हैमर तोड़ो, डोर बंद किया, हैमर तोड़ा, ये फेंक दिया यहाँ पे। ठीक है, ये अंदर चला गया है, अब कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कैमरा भी हमने तोड़ दिया है। प्लायर्स को ढूंढते हैं सबसे पहले, वही मेन चीज़ है, प्लायर्स मिल जाए एक बार ना तो काम हो जाएगा। शॉटगन पड़ी है, एक बार इसको मैं भटकाता हूँ, मैं शॉटगन यहाँ फेंकता हूँ जिससे ये यहाँ पे आ जाए और उसके बाद मैं अपना काम कर लूँ वहाँ पे। तो यहाँ पे एक बार चेक करते, यहाँ पे जैसा कि मुझे लगा था, यहाँ पे प्लायर्स हमें लास्ट टाइम भी मिले थे और इस बार भी यहीं पे मिले, तो मैं यहाँ पे शोर करता हूँ। ओ ओश, ओ भाई 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 भाई, अभी तो जाता मैं, ये हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? शोर कर रहा था, उसको उठा रहा था, तब तक तो भैया आ गए वहाँ से। ये उठाया और ये लो, ये आ गया फिर से मेरे पीछे। ये प्लायर्स ना जल्दी उठते नहीं है, वो छोटू सा डॉट दे रखा है, उससे एम करने में तकलीफ हो जाती है। अब चलो वो जगह खोलते हैं वहाँ पे, ये रही सामने जगह है, वो पिक कहाँ है? मिस्टर मीट से नहीं, लेकिन पिक से डर लगता है। इनको खोलो, फटाक से खोलो इनको। और ये हमने इनको खोल दिया बस। अब यहाँ पे वायर कटर चाहिए होंगे, वो पिक वहीं पे, रुको रुको रुको। अब मुझे वायर कटर फाइंड करना है, तो मेरे ख्याल से वायर कटर इधर कहीं अंदर मिल जाना चाहिए, और कहाँ ही मिल सकता है? ओके, यहाँ पे नहीं है भाई। अब वायर कटर को ढूंढना मुश्किल हो गया, इसके अंदर है क्या? इसके अंदर भी नहीं है,
यहाँ पे ओके, तो मैं ड्रॉअर में भी चेक कर चुका हूँ, यहाँ पे वायर कटर के नाम पे भाई कुछ नहीं है, वायर कटर नहीं मिला इस बार हमें, ये दिक्कत हो जाएगी, वायर कटर मिल जाना चाहिए। तो देखो गाइस, मैंने वायर कटर हर जगह ढूंढ लिया और वो मुझे नहीं मिल रहा है, तो वायर कटर ढूंढने के लिए ना बस एक ही जगह बची, वो शेड के अंदर, उस शेड के अंदर पहले हमको जाना पड़ेगा, हम लोग पहले वो लेके आ जाते हैं वहाँ से प्लायर्स, क्योंकि प्लायर्स रहेगा तभी तो हम उसके अंदर जा पाएंगे। तो प्लायर्स मैंने यहाँ पे फेंक दिए थे, ये रहे हमारे प्लायर्स, इनको उठाया और सीधा चलते हैं छत के ऊपर वाले रास्ते पे। छत के ऊपर जाके हमें उस शेड के अंदर जाना है और वहाँ से शॉटगन की एमो मिल जाएगी, जिससे हमारा हल्का सा काम भी हो जाएगा। तो छत के ऊपर जाते हैं हम लोग और यहाँ से हम लोग को जंप करना है, तो पहले जंप कर लेते हैं फटाक से और इसके अंदर शायद से मिल जाए भाई वायर कटर का बहुत। ओ नाइस भाई, यहाँ पे हमको ग्लव्स और वायर कटर दोनों मिल गए, तो ये बहुत सही काम हो गया यहाँ पे। तो अभी मैं वायर कटर लेके आ गया हूँ और मैंने इस गेट का इसको कट किया, लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा। तो आई थिंक वो जो उधर रहता है ना एक और पैनल, उसको भी कट करना पड़ेगा, तभी ये शायद से ओपन होगा। तो हाँ, हम सोच रहे थे कि उसका कुछ यूज़ नहीं होगा, बट शायद से उसका यही यूज़ है। रुको, इसको यहाँ पे बुलाने दो। आ भाई, तू इधर आ। ओ, इधर से ही आ गया तू भाई, ये बड़ा चालाक है भाई, ये सच में बहुत ख़तरनाक है। चलो फटाक से यहाँ पे देखो, ये जो पैनल है ना, इसके अंदर का भी हमको कट करना पड़ता है, उसके बाद ही शायद ये हो पाएगा। अब ये यहाँ से ना आ जाए, है ना, यहाँ देखो ये ना, अरे तेरे मुंह पे मारने का मोटे, ये यहीं पे फेंक देते हैं। अब चलो सीधा सीधा अंदर चलते हैं और अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका सारा राज, सारा राज अंदर ही है। और लास्ट टाइम हमने इसको रेस्क्यू करने के लिए उस लड़की को यहीं पे गए थे ना, तो अभी पता चलेगा। देखो अंदर मैं आ गया, अंदर यहाँ पे देखो एक चीज़ हमसे मिस हो गई थी, वो है, पहले मैं बताता हूँ, पहले इसको ले लें दो सेफ्टी के लिए, अगर वो आ जाता है ना तो दिक्कत होगी। गाइज अभी देखो, ये जो डार्ट है ना, ये ऐसे ही नहीं दिया है यहाँ पे, फिलहाल वो लड़की वहाँ पे, इसको तो इसको नहीं बचाना, इसको हम लोग बचा चुके हैं ऑलरेडी। हमको सिर्फ ये वाला गेट ओपन करना है। अब ये वाला गेट ओपन कैसे होगा ये मुझे अभी भी नहीं समझ आया, लेकिन इसका यूज़ मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था इसका क्या यूज़ हो सकता है, तो इसका यूज़ मेरे ख्याल से ये है कि हमको, ये देखो ये हीट सेंसर है ना, मतलब यहाँ पे जब हीट होता है तो कुछ होने वाला है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ना हमको किसी तरीके से हीट जनरेट करनी है, जिससे ये पूरा ऊपर जाएगा, उसके बाद ये जो गेट है ये ओपन हो जाएगा। तो अब मुझे इसके लिए कुछ तो चाहिए होगा, तो मैं पहले मुझे छानना पड़ेगा, पूरा घर ढूंढना पड़ेगा कि इसके लिए कोई चीज़ मिलती है कि नहीं, उसके बाद वो गेट खुलेगा और उस गेट के अंदर आधे से ज़्यादा राज है। और ये देखो ये मोटा यहीं पर आ गया, तो अब इसको मुझे बेहोश करना पड़ेगा एक बार ही। नाइस, ये बेहोश होगा, वैसे मुझे मेरा डार्ट वेस्ट नहीं करना था इसके ऊपर, लेकिन अब क्या ही करे, ये आ गया तो मुझे इसको टपकाना ही पड़ा, मोटा कहीं का, मतलब एक बार ही ना इसके लात मार के आता हूँ। रुको, हट तेरी माँ का, मेरा डार्ट यहाँ पे वेस्ट हो गया, बस अब वो पिग पीछे ना पड़ जाए, नहीं तो उसके ऊपर भी मेरा डार्ट वेस्ट हो जाएगा। तो अब मैं बहुत पूरा घर छान मारना पड़ेगा हमको कि ऐसी कोई हीट करने वाली कोई चीज़ मिलती है कि नहीं हमें। तो शुरुआत करते हैं, यहाँ तो मैं चेक कर चुका हूँ, इस फ्रिज के अंदर भी नथिंग, इधर भी कुछ नहीं है, बाकी सारी चीज़ें ढूंढते हैं ऊपर, एक बार देख लेते हैं। ओके गाइस, तो मैं हर जगह ढूंढ के आ गया हूँ, पूरे घर में ढूंढा कुछ मिल जाए, माचिस वगैरह या कुछ भी, मुझे कुछ तो नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे मैं जब आया तो देखो वहाँ पे ऊपर एक गैस टॉर्च रखा है ना, गैस टॉर्च ही बोलते हैं ना इसको, या फिर ब्लो टॉर्च, कुछ भी हो, इसमें से आग निकल सकती है। तो मेरे दिमाग में यही है अब कि क्या मुझे इससे उसको मार के नीचे गिर रहा भाई मेरा दिमाग, ये है ब्लो टॉर्च। ओके, तो हमारा ये हमारा डार्ट वेस्ट नहीं हुआ है, तो ये डार्ट अभी भी हमारे काम आ सकता है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ऊपर चल जाते हैं और इसको रख देते हैं यहाँ पे, और अब उसको लेके आते हैं। अब वो मिस्टर मीटू जिंदा हो ही गया होगा गाइस, वो जिंदा हो गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि देखो मैंने नाम लिया ना, ये हाजिर भाई, इसका नाम लेते ही हाजिर आता है। तो मेरे ख्याल से इसको एक बार शॉटगन से एक बार ही तो बजा देना चाहिए, क्योंकि शॉटगन से मैं इसको बजा दूंगा ना तो ये कुछ ज़्यादा टाइम तक बेहोश रहेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नॉइज़ करता हूँ जिससे ये यहाँ पे आ जाएगा। आ जल्दी, शॉटगन उठा लिए, बस इसमें गोली डालनी है। ये आ गया, फटाक से चलते हैं, शॉटगन की एमो लेते हैं और इसकी सर पे एक बजाते हैं जिससे हमारा पीछा छोड़ दे भाई। ये रहा शॉटगन का एमो, इसको फील किया, अब इसको बुलाना है बस। तू आ यहाँ पे, अभी तेरे को बताता हूँ मैं, जल्दी आ, ये आएगा ना तो अभी इसको बजाऊंगा मैं, जल्दी आ। ये आ गया और ये लो, हमारा काम हो गया, फटाक से ब्लो टॉर्च लेके चलते हैं और देखते हैं जैसा मैंने सोचा भाई वैसा हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग ब्लो टॉर्च लेके आ गए और मेरे ख्याल से जो मैंने सोचा है भाई वही होना चाहिए, हीट देंगे, अगर कुछ और होता है तो ठीक है हम ढूंढ लेंगे, लेकिन ये जैसा मैं सोच रहा हूँ,
ओके, यहाँ पे कुछ लिख के आया था, एक हीट सेंसर, ये हमको दबाना है जिससे ये हीट बढ़ रहा है क्या? ओके गाइस, गाइस जैसा मैंने सोचा था, लेकिन यहाँ पे साउंड क्रिएट हुआ है, और साउंड क्रिएट हुआ तो मिस्टर मीट तो बेहोश है। मिस्टर मीट यहाँ पे अभी आना नहीं चाहिए, लेकिन एक काम करते हैं, देखो साउंड क्रिएट हुआ है, मिस्टर मीट यहाँ पे आ सकता है। यहाँ तक साउंड आ रही है भाई, एक काम करते हैं फटाक से ना वो डार्ट ले लेते हैं अपने साथ, डार्ट ले लेंगे ना तो अगर मिस्टर मीट आता भी है ना तो उसके सर पे बजाऊंगा। अच्छा हुआ मैं इसको बेहोश कर लिया था, तो इसको लेते हैं। और अभी क्या करूँ मैं? हाँ गाइज, अगर हमें देखो पुलिस को बुलाना है तो यहाँ पे हमने देखो एक टेलीफोन देखा था, तो इससे हम पुलिस को कॉल करके बुला सकते हैं। लेकिन अब आपको पता ही होगा, हर पुलिस आते ही सीधा यही पूछती है कि भैया पुलिस को आपने बुलाया, तो आपको देने पड़ेंगे सबूत, है ना? सबूत चाहिए ना उनको, तो सबूत देने के लिए सबसे पहले सबूत चाहिए उनको, तो सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे कैमरा मिलेगा, कैमरा से ना हम इसकी फ़ोटो खींच लेंगे, सबूत ले लेंगे और जाएंगे और इसे पकड़वा देंगे। तो सेम यही चीज़ होने वाली है, लेकिन अभी बस मुझे क्या करना है, सीक्रेट ड्रॉर की ढूंढनी है जिससे मैं उसका कैमरा एक्सेस कर सकूँ। तो यहाँ पे तो लास्ट टाइम सीक्रेट ड्रॉर की यहाँ मिल गई थी, वैसे तो यहीं कहीं मिल जाएगी, लेकिन जब ज़रूरत होती है ना तब नहीं मिलती। इसके अंदर एक बारी इसके अंदर चेक करते हैं, भाई मिल गया। अच्छा हुआ ये यहीं पे मिल गया। अब सीक्रेट ड्रॉर की उठाने से पहले एक बारी मैं यहाँ पे शोर करके देखता हूँ क्या ये आ रहा है कि नहीं। आ रहा है भाई, और ये लो इसको बेहोश कर दिया हमने। फटाक से ये सीक्रेट ड्रॉर की लेते हैं और सीधा छत पे चलते हैं और इसका कैमरा लेके आते हैं जिससे हमें कुछ फोटोज खींचने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पे कैमरा भी निकाल लिया। मेरे ख्याल से देखो इसकी फोटो तो हम लोग नहीं ले सकते हैं, तो वो जो इसकी लैब है उसके अंदर जाके ही हमें उसकी कुछ फोटोज वगैरह कैप्चर करनी पड़ेगी पुलिस को देने के लिए। तो सबसे पहले मैं शॉटगन एक बार ही रिलोड कर लेता हूँ, अगर ये आता है तो दिक्कत हो जाएगी। शॉटगन एक काम करूँ क्या, मैं शॉटगन ले जाके वहाँ पे फेंक क्या हूँ क्या? छोड़ो इसे और इसको ले लेते हैं, और इसको ले जाके वहाँ पे एक बारी फेंक देते हैं, उसके बाद शॉटगन को भी लेके चलेंगे। इसे क्या होगा ना, अगर वो अंदर आ जाता है ना तो दिक्कत नहीं होगी, वो पड़ा है वहाँ पे। अब वो सायरन यहाँ पे बजना तो बंद हो गया है, अब मिस्टर मीट यहाँ पे नहीं आना चाहिए। देखो सायरन यहाँ पे बजना बंद हो चुका है, अब यहाँ पे एक डोर है। ओके गाइस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने, ओ भाई साहब, पूरी लैब बना के रखी है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हमें एक्स्ट्रा डार्ट मिल गए, पूरी लैब, और ये देखो क्या क्या रखा है आगे। ओ भाई 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 गाइज, यहाँ पे देखो, एक को यहाँ पे इसने पकड़ के रखा है, इसको भी पिग बना दिया है, दूसरा यहाँ पे इसको भी पिग, और ये इंसानों को क्या बना रहा है भाई। और यहाँ पे देखो रेड पोशन है, और यहाँ पे इसने डायग्राम बनाया, मतलब देख रहे हो इंसान के स्कल से किस तरीके से पिग के स्कल में चेंज हो गया भाई। और क्या मैं इसकी फोटो ले सकता हूँ? एक सेकेंड। ओके गाइज, हमें यहाँ पे फोटोज मिल गया है, और हम लोग ये फोटो लेके जाके पुलिस वाले को कॉल करके दिखा देंगे। और ये देखो इसने मुझे सुन लिया, अब ये आ जाएगा यहाँ पे, आ जा, इसको मैं एक बार घुमा देता हूँ। और ये फोटोज देखे ना, हमको जाने हैं पुलिस को कॉल करने के लिए। तो ये जैसे यहाँ पे गया, मैं सीधा यहाँ से भाग लेता हूँ, और बस ये ना आ जाए पीछे से फटाक से, ऐसा ना हो जाए कि यहाँ पे इसकी स्पीड बढ़ जाए, अचानक से मेरे को पकड़ ले। तो यहाँ से चलते हैं, और एक बारी मैं सोच रहा हूँ ना कि पुलिस वाले को बुलाऊं और इसको पकड़वा दूं सीधा, मतलब एक बारी क्या पुलिस वाले को बुलाते हैं और इसको पकड़वा देते हैं। यहाँ पे इसको फेंका और जाते हैं पुलिस को कॉल करने। अब पुलिस वाले को कॉल करेंगे तो ये भैया जी यहीं से आएंगे, तो एक बार पुलिस को कॉल लगाने दो। कॉल लगाऊं यहाँ पे, यहीं से लगा सकते हैं हम शायद पुलिस को कॉल, और ये नंबर डायल हो रहा है, यू कॉल्ड पुलिस एंड, अच्छा वो आ चुका है और हमें प्रूफ लेने हैं, मतलब मिस्टर मीट के खिलाफ। तो अब ये तो हम ऑलरेडी करके रख चुके हैं, मतलब प्रूफ तो ऑलरेडी मेरे पास है भाई, मतलब बहुत ही खतरनाक हूँ यार मैं। मैंने पुलिस को बुलाया तो है, और इसके खिलाफ मैंने ना प्रूफ भी लेके रख चुका हूँ मैं। तो ये सही है, यहाँ पे एक बार ना इस शॉटगन को लेने दो। शॉटगन ले लिया, और इसको रिलोड कर लो ताकि ये आए या ना। और यहाँ पे गेट की आवाज़ आई, एक मेरे ख्याल से पुलिस आ चुकी है। ऑल राइट, ये पुलिस आ गया यहाँ पे, और उसकी गाड़ी वहाँ पे खड़ी है। हेलो भाई, हेलो, चलो मिस्टर मीट को पकड़ो, क्या चाहिए तुमको? हेलो, इससे बात कर सकते क्या? यस, ओके, ये रहे प्रूफ, ये देखो मिस्टर मीट यहाँ पे क्या क्या करता है। हाँ हाँ, नहीं, बैट निकाल ली इसने, मैं भी अपनी शॉटगन निकालता हूँ। और ये कहाँ जा रहा है? मिस्टर मीट अंदर है बे, मिस्टर मीट अंदर है, मिस्टर मीट को पकड़, वहाँ कहाँ जा रहा है? ठीक है, इसके पीछे चलते और देखते ये कहाँ पे जा रहा है। अबे पिग वहाँ से रहता है, इसको डर वगैरह नहीं लगता। ठीक है, ये पुलिस वाला है ना, ये ज़्यादा ही चौड़ में है। और यहाँ पे चल, ओ भाई वो देखो वहाँ पे घूम रहा है,
ओ ये आ रहा है, आ रहा है, ये अंदर आ जाएगा भाई। ओ अबे भाई साहब, क्या जंप लगाई है इसने वहां से। और ये भाई ये मिस्टर मीट का पिक क्या है यार, वहां से इतने दूर से उसने जंप लगाई और सीधा मेरे पे अटैक किया। ये मिस्टर मीट तो रिकामा है, इसका पिक उससे ज्यादा ही खतरनाक है। और ये पुलिस वाला अंदर ही गया था, मेरी शॉट गन भी अंदर ड्रॉप हुई तो मैं भी यहीं से घुस लेता हूँ। पुलिस वाला अभी भी है कि नहीं, रुको भाई उससे बच के भाई। और मैं शॉट गन से मैंने एक बार उसे शूट करने की ट्राई की थी, शॉट गन से वो नहीं मरता है। तो पुलिस वाला अभी भी यहीं पे है क्या अंदर, एक बार चलते हैं। शॉट गन तो हमारे पास है तो मिस्टर मीट का कोई खतरा नहीं है। पुलिस वाला कहाँ पे है? ओके ये यहाँ पे है, चलो भाई पकड़ लिया। ठीक है चलो, ये सब देख लिया उसने, शायद वो खुद से भी देखना चाहता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि नहीं। चल ना भाई, ये भी उसकी डॉग साइंटिस्ट की तरह नकड़े कर रहा है यहाँ पे, ये देखो। चल जल्दी मिस्टर मीट को पकड़वाना है भाई, बहुत हो गया अब तो। आ जा भाई पुलिस अंकल, चलो जल्दी चलो, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ पे हूँ। और अब मुझे लग रहा है ना गाइस, ये पुलिस वाला मिस्टर मीट के ना एकदम सर पे बजाने वाला है, एकदम खतरनाक तरीके से। हेलो वो है मिस्टर मीट, मिस्टर मीट आ रहा है पुलिस वाला, और अब ये पकड़ लेगा इसको। अबे पुलिस वाला, एक पुलिस वाला भाई चूतिया है। मिस्टर मीट ने उसको एक ही बजाई और वो पुलिस वाला कहाँ गया भाई? पुलिस वाले हेलो, आपने गाइस ध्यान से देखा, इस मिस्टर मीट ने उसको मारा और वो सीधा हवा में। ओके मेरे को लग रहा है ना, जब पुलिस वाला इसको पकड़ने आए तो भाई मैं पुलिस वाले को समझ रहा था ये तो दबंग निकलेगा, पुलिस वाला तो चूतिया निकला। मेरे को लग रहा है जब पुलिस इसको पकड़ने जाएगी ना तो इसको अपन ने बेहोश करना पड़ेगा। द पुलिस इज हेयर, नहीं भाई पुलिस तो गया, पुलिस तो गया भाई, पुलिस को तो इसने एक ही बजाई है बस, वो उड़ गया यहाँ से। ओके गाइस तो हमने एक दूसरी पुलिस को बुला लिया, और ये वाला पुलिस भाई हैट पहन के आया यहाँ पे, टोपी, मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ, बस ये टोपी पहन के दूसरा आ गया। ठीक है इसको बुला लिया है, और यहाँ पे इसको अंदर मैंने चेक वगैरह भी करा दिया। अब यहाँ से सीधा बाहर निकलते हैं, मिस्टर मीट को गिरफ्तार करवाते हैं सीधा। तो ये मिस्टर मीट आ गया इस पे अटैक करने वाला, लेकिन इसको शॉटगन से एक बजा दी, और अब शायद ये पुलिस वाला इसको पकड़ लिया। ओके गाइस तो यहाँ पे देखो, डू नॉट क्रॉस पुलिस लाइन, सब कुछ कैद हो गया। और इसने पुलिस ने इसके सील कर दिया, इसके दरवाजा, इसके घर पूरा सील हो चुका है। और मिस्टर मीट ये देखो, यहाँ से उस लड़की को भी कैद किया था, इसको भी पुलिस वाले ने बंद कर दिया। और ये देखो पुलिस लेके गई मिस्टर मीट को। और भाई ठीक है भाई, नाइस। तो गाइस फाइनली मिस्टर मीट को हमने पुलिस वाले से भी पकड़ा दिया, मतलब पहले उस लड़की को बचाया, उसके बाद उस म्यूटेंट गर्ल पिग गर्ल को भी बचा लिया, उसके बाद मिस्टर मीट किसी और के साथ ऐसा ना करें उसको भी पकड़ा दिया। तो भाई ठीक है यार, सब कुछ हो गया। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। और हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही, बाकी दो पार्ट्स आपने नहीं देखे तो भाई उनको भी देख लो। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।